दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। तो ये हमारे स्वराज मशीनरी नानकना मशीनरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्वीट बॉक्स है और केक बॉक्स है उसकी बनाने के लिए कौन कौन सा मशीन चाहिए आपको। ये देखिए, ये कैरोगेशन मशीन है, ये कैरोगेशन मशीन है। ये इसमें पहले पेपर जो है कैरोगेटेड ई ब्लूड ब्रीक ब्लूड जो होता है ब्रीक नालीदार होता है, ई ब्लूड वाली कैरोगेशन मशीन पहले आपको चाहिए। ये कैरोगेशन मशीन है, कैरोगेशन हो गए पूरा रोल आपका बन रहा है। ये रॉ मटेरियल इसे रोल आता है, उसी से ये कैरोगेशन होके ये रोल बनता जा रहा है। ये कैरोगेशन मशीन ई ब्लूड ब्रीक ब्लूड जो नालीदार ब्रीक ब्लूड है वो मशीन इसमें लगती है, जिसमें स्वीट बॉक्स बनेगा और केक बॉक्स बनेगा। इसके लिए ये कैरोगेशन मशीन लगेगी और उसके बाद में स्वीटर मशीन है। ये स्वीटर मशीन है, इसमें रॉ मटेरियल रोल होके फिर रोल इसमें लगता है, इसमें आगे कटिंग होएगा। इसमें जो रॉ मटेरियल है इसमें जो साइज का आपने बनाना है, जो स्वीट बॉक्स बनाना है या केक बॉक्स बनाना है, वही साइज का आपने कटिंग कर लिया। ये देखो, आपने ये साइज का कटिंग हो गया आपका। ये रोल से जो साइज आपको केक का बॉक्स बनाना है वो रोल से आपका कटिंग होके मशीन से आगे अपने आप काउंटिंग होके लग जाती है देरी। ये लगने के बाद फिर हमने जो प्रिंटिंग शीट आती है, ये एक प्रिंटिंग शीट है जो केक के ऊपर प्रिंटिंग शीट होती है। ये केक के लिए ये प्रिंटिंग शीट आएगी, ये बाहर से रॉ मटेरियल आप प्रिंट करा सकते हैं। ये प्रिंट हो गया, प्रिंट के बाद में हमने ये शीट जो गमिंग मशीन है गम लगेगी, गम लगने के बाद ये शीट पेस्ट हो रही है, शीट पेस्ट हो जाएगी। ये पेस्ट होके ये गत्ते के साथ ये शीट पेस्ट हो रही है, पेस्ट होने के बाद ये फिर प्रेसिंग होएगी। इधर ये प्रेसिंग हो रही है, ये प्रेसिंग मशीन है। पेस्टिंग होने के बाद ये प्रेसिंग मशीन है, इसमें प्रेस करके कुछ देर जो मटीरियल है 10-15 मिनट इसमें प्रेस करके रखते हैं। प्रेस करने के बाद ये प्रेस हो गया, प्रेस होने के बाद फिर डाई पंचिंग मशीन में जाती है। जैसे ये डाई पंचिंग मशीन है, ये इधर डाई लगती है इसमें। ये देखो, जो ये डाई पंचिंग मशीन है इसमें जैसे केक का बॉक्स बन रहा है, केक के बॉक्स की ये डाई लगी हुई है इसके अंदर। ये केक के बॉक्स की डाई लगी है, ये देखो ये डाई लगी हुई है इसके अंदर। जो भी साइज हमने केक का बॉक्स बनाना है, स्वीट बॉक्स बनाना है, उसकी डाई उसमें मशीन में फिट करके वही साइज का केक का बॉक्स ये ऐसे कटिंग हो जाएगा। ऐसा ये केक का बॉक्स ये देखिए, ये कटिंग हो गया पूरा। कटिंग होने के बाद ये देखो, ये मटेरियल पेस्ट होने के बाद ये कटिंग हो गया। कटिंग होने के बाद जो मैंने अभी आपको फोल्ड करके दिखाया था केक का बॉक्स, जो इसी को फोल्ड करके पूरा बॉक्स तैयार हो जाता है।
पेज है। इसके बाद में ये देखिए, ये बॉक्स पूरा आपको फोल्ड करके मैंने दिखाया था, ये बॉक्स बन के रेडी हो गया। ये केक का बॉक्स है, ऐसे स्वीट का बॉक्स, केक का बॉक्स ऐसे रेडी हो जाता है। जो इसमें कोई स्टिचिंग नहीं होनी, इसमें कोई चिन नहीं लगनी, इसमें ऐसे ये कैरोगेशन मशीन हो गया, एक शीटर हो गया, उसके बाद में पेस्टिंग मशीन और एक डाई पंचिंग मशीन। ये मशीनों से आपका केक का बॉक्स, स्वीट बॉक्स, ये मशीनों से आपका काम हो जाता है पूरा। इसके साथ एक कटिंग मशीन लगा सकते हैं, कटिंग मशीन 36 इंच की कटिंग आती है, ये कटिंग मशीन साथ में लगेगी। और ये अपने एक ये मशीन लगाना चाहें तो ये एक हैंड कटिंग मशीन है, ये भी साथ में लगती है, ये भी साथ में लगाओ, आपका पूरा सेटअप जो है रेडी हो जाता है। आप पूरा केक का बॉक्स, स्वीट बॉक्स आप बना सकते हो। कोई बॉक्स बनाना चाहते हो, जैसे कोई आपने कोई समर्थिकल बॉक्स है या कुछ और बॉक्स है, ऐसे स्टिचिंग से ऐसे बॉक्स हो जाता है। बाकी की मशीनें वही लगेगी आपकी, कैरोगेशन शीट पेस्टिंग हो जाएगी। जैसे ये आपका ये बॉक्स फैन पैकिंग के लिए, जो फैन है इसका पैकिंग के लिए बॉक्स बन रहा है, ये स्टिचिंग मशीन एक साथ में ले लोगे तो वो भी आपका। और भी दूसरी टाइप के बहुत सारे बॉक्स, जैसे कोई भी आपने स्टीविंग मशीन पैक करनी है, कोई जो आपने फैन पैक करना है, कोई मिक्सी पैक करनी है, कुछ भी और बहुत सारे प्रोडक्ट जो है, जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है उसको पैकिंग करने के लिए एक ये स्टिचिंग मशीन बॉक्स, स्टिचिंग मशीन लगा लोगे तो आपका पूरा सेटअप हो जाता है। आप केक बॉक्स, स्वीट बॉक्स, आप और जो भी बॉक्स इलेक्ट्रिकल आइटम के, फैन के, मिक्सी के और बहुत सारे बॉक्स जो है स्टीविंग मशीन के, ऐसे वो सभी बॉक्स आपके बन के रेडी हो जाते हैं। ये डाई पंचिंग मशीन है, ये देखो, इसमें स्वीट बॉक्स जो है आपका केक का बॉक्स है वो बन के रेडी हो रहा है, ये देखिए। Thank you.
हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि अपनी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके।